तो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों का WWE हिंदी खबर में। तो दोस्तों, काफ़ी वक्त से रोंडा राउजी WWE से गायब है। काफ़ी वक्त क्या, उनको तो एक साल से ऊपर हो गया है और अभी तक उनकी वापसी को लेकर कोई खबर नहीं है। लेकिन एक खबर इनको लेकर फिलहाल ये आ चुकी है कि शायद रोंडा राउजी का WWE कैरियर खत्म हो चुका है। अब वो शायद ही WWE में दोबारा नजर आने वाली हैं। अगले साल के रेसलमेनिया तक उनका आने का कोई चांस नहीं है और उसके बाद तो उनका रिटर्न होगा ही नहीं। बीच में उनका रिटर्न हो सकता था लेकिन उनकी उंगली में एक जबरदस्त चोट आ गई थी जिसकी वजह से उनका रिटर्न रुक गया और अब उनका रिटर्न होगा ही नहीं। तो WWE में रोंडा राउजी ने पिछले साल के रेसलमेनिया में आखिरी मैच लड़ लिया है और अब आप लोग शायद ही रोंडा राउजी को अगला मैच WWE में लड़ता हुआ देख पाएंगे। डीन की पत्नी, डीन एम्ब्रोस की पत्नी रेनी यंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि उनका शो रद्द हो गया क्योंकि वो COVID-19 पॉजिटिव पाई गई, मतलब उन्हें कोरोना वायरस हो चुका है, मतलब वो कोरोना वायरस के शिकार हो चुकी हैं। और इसके अलावा उन्होंने सभी से ये गुजारिश करी है कि आप सभी मास्क लगाएं और बार बार अपने हाथों को साफ करते रहें। बात करते हैं रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस को लेकर कुछ खास अपडेट नहीं आ रही है दोस्तों, लेकिन उनका रिटर्न कब होगा इस बारे में। लेकिन WWE की तरफ से ये बात छुपाई जा रही है कि समर स्लैम में रोमन रेंस के क्या प्लान है। तो WWE समर स्लैम को लेकर रोमन रेंस के प्लान को छुपा रही है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि रोमन रेंस का समर स्लैम में कोई ना कोई रोल तो होने वाला जरूर है। इसलिए WWE ये बात हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है लेकिन सोशल मीडिया है, बात फैल जाती है, पता चल जाती है। अगस्त के महीने में समर स्लैम होने वाला है, देखते हैं रोमन रेंस का क्या प्लान निकल के आता है उस वक्त।